जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर टेक्निकल लोन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 के रिजल्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं। जो भी विद्यार्थी है जिन्होंने एग्जाम दिया है और उनका मिनिमम नंबर भी बन रहा है, मिनिमम कट ऑफ जितना नंबर भी आपका बन रहा है, तो भाई फिजिकल की तैयारी आप लोग शुरू कर देना, क्योंकि यहां पर आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट के साथ ही आप लोगों का फिजिकल है, उसके लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में कितने दिन बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, कब आप लोगों का फिजिकल शुरू होगा, क्या फिजिकल के साथ ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, तो रिजल्ट को लेकर सारे की सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। आगे आने वाले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर भर्ती से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का आप लोगों का रिटर्न हो चुका है। अभी आप लोगों का सेकंड फेज में होने वाला है, वो होने वाला है पीटी और पीएचटी, और पीटी और पीएचटी के साथ ही आप लोगों का होने वाला है ट्रेड टेस्ट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से सीआरपीएफ को निर्देश दे दिए गए कि रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द पूरा करवाना है, क्योंकि दिसंबर से पहले मिशन मोड चल रहा है। मैं बार बार आपको बोल रहा था, अभी एसएसबी का रिजल्ट आया, रिजल्ट 27 तारीख को आया था और ट्रेड टेस्ट उनका 1 तारीख से शुरू हो गया था। 27 सितंबर को रिजल्ट आया था और 1 सितंबर से उनका ट्रेड टेस्ट भी शुरू हो गया था। काफी बच्चों ने तैयारी भी नहीं की, बहुत सारे बच्चों को बच्चे यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में बाहर भी हुए, क्योंकि 27 को रिजल्ट आया और रिजल्ट के दिन ही उनके एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिए गए थे। और ऐसा ही आप लोगों के साथ में हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड टेस्ट तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की है तो आपकी सारी की सारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। और दोस्तों आप सभी को बता, 85% से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के हमारा जो फौजी बैच था उससे ही देखे गए थे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी मेरे भावी फौजी है जो लगातार हमसे जुड़े हुए और अभी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, उनके नंबर भी काफी अच्छे बने। अगर आपका मिनिमम कट ऑफ जितना भी अगर आपके नंबर आ रहे, आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू कर देना। हो सकता है ट्रेड के लिए मिनिमम नंबरों पर ही आप लोगों को बुला लिया जाए, क्योंकि ऐसा एसएसबी में हो चुका भाई। एसएसबी में 30,000 बच्चे पास करने थे, लेकिन पास होने वालों की संख्या 20,000 पे आके ही रुक गई, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ नंबर भी बच्चों के नहीं बढ़ रहे थे। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की रेस शुरू कर देना, और इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि आप तैयारी बाद में कर ले एडमिट कार्ड और रिजल्ट आने के बाद में, क्योंकि रिजल्ट आते ही आप लोगों के एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पर। और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, रिजल्ट है वो कभी भी अब सीआरपीएफ जारी कर सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल आप लोगों का तैयार है। और मैं आप लोग क्लियर कर दूं, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में आप लोगों का फिजिकल व ट्रेड टेस्ट शुरू हो जाएगा। मिनिमम आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसके साथ ही चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगी केवल एसटी कैंडिडेट को, हिल एरिया वालों को। रनिंग होगी वो 5 किलोमीटर की होने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए। अब कुछ ट्रेडें ऐसी हैं जिनमें रनिंग आप लोगों की 1600 मीटर और 800 मीटर की भी रहने वाली है। अगर आपने मिनिस्ट्रियल की पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, दफ्तरी वगैरह के लिए अगर आपने अप्लाई किया, तो यहां पर आपको हाइट में भी छूट मिल जाएगी, आपकी रनिंग भी कम होने वाली है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर सीआरपीएफ में आपका स्कोर है वो अच्छा नहीं गया है, आप चाहते हैं कि सर जितना हम स्कोर करना चाह रहे थे उतना स्कोर नहीं हुआ, ऐसे में क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या फिजिकल की तैयारी करे या नहीं करे, क्या एसएससी जीडी की रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं, फिजिकल की तैयारी तो आपको करनी ही है, लेकिन साथ साथ में रिटर्न की तैयारी आप लोगों को अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि एक और बड़ा रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का हमारा नया टारगेट बैच आ चुका है। सीआरपीएफ के बाद में एक नया आगाज आप लोगों के सामने, ब्रह्मास्त्र बैच, और बिल्कुल जीरो से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। और ये बैच 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, और अभी जो बच्चे परचेज करेंगे, पहले 100 बच्चों के लिए रखा गया था, लेकिन अब हमने बढ़ा के 500 बच्चों के लिए ऑफर किया है। जो भी पहले 500 बच्चे आएंगे उनके लिए 60% की छूट रखी है, मतलब जो कोर्स 999 रुपए मिल रहा था वही कोर्स 399 रुपए मिलेगा, लेकिन ये 500 बच्चों को मिलने वाला है जो पहले परचेज करने वाले हैं। तो अभी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासे, लाइव के साथ में रिकॉर्डेड सारी क्लासे एप्लीकेशन में रहेगी, सारी की सारी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टायर सीरीज मिल जाएगी, संडे टू संडे
संडे लाइव टेस्ट रहेगा, साथ ही डाउट सेशन रहने वाला, सब कुछ टीसीएस पैटर्न पर रहने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दो और साथ साथ में फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दो। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या सर फिजिकल के साथ ही हमारा ट्रेड टेस्ट होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, फिजिकल की तैयारी कर रहे हो साथ साथ में ट्रेड टेस्ट की तैयारी भी भाई शुरू कर देना। जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, चाहे कुक ने अप्लाई किया है तो घर पे खाना वगैरह बनाना सीख लेना, अपने रसोई में साथ में अपनी मम्मी है पापा है उनके साथ में आप मिलके थोड़ा बहुत उनका हाथ बटाना, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्वीपर वाले बच्चे हैं वो घर पे सफाई वगैरह का काम करे, क्योंकि नॉर्मली ज्यादा हार्ड नहीं होता ट्रेड टेस्ट, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप किसी न किसी गलती की वजह से बाहर हो जाएंगे। और ट्रेड टेस्ट केवल और केवल क्वालिफाई नेचर पे है, फिजिकल जिस दिन आपने पास किया उसके अगले दिन ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट ले लिया जाएगा। तो अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, रिजल्ट आपका कभी भी सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल सकता है भाई। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। इसके साथ ही एसएससी जीडी के लिए आपके लिए पूजा पब्लिकेशन की एक अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है और ये पूरी की पूरी जीके की बुक है, आपको अदर कोई जीके की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ, अगर मैं बात करूं पॉलिटी है ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस सब कुछ बारीकी से दर्शाया गया है और टॉपिक वाइज आप लोगों को मिलने वाले। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका जीके में स्कोर नहीं बन रहा है तो भाई ये आप लोगों के लिए काफी अच्छी बुक है, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात है कि एनसीईआरटी और सी सेट पैटर्न पर बनाई गई है। तो पूरी की पूरी बुक है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, रोज आप लोगों के लिए शाम को 7:15 पर यूट्यूब पर फिर से एक बड़ा प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया गया है। रोज एक दिन एक ओरिजिनल पेपर आपका हल करवाया जा रहा है, जो कि 2021 की एसएससी जीडी और 2022 की एसएससी जीडी में पूछे गए सारे के सारे 62 पेपरों का सेट आप लोगों के लिए लेके आया है। एक दिन में एक पूरा का पूरा सेट करवाएंगे, 80 के 80 क्वेश्चन। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो भाई शाम वाली क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। ये क्लास शाम को एक क्लास ले लीजिएगा, बाकी फिजिकल की तैयारी जरूर करें साथ साथ में। जैसे ही दोस्तों रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की फाइल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना, बेस्ट एग्जाम भाई बाबू भोजी। इसके अलावा दोस्तों आपने कौन सी ट्रेड से एग्जाम दिया है और कितने नंबर आपके बन रहे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।